हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन एंड आंसर किया है एसएससी सीजीएल 2017 का। आज हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2017 अगस्त के महीने में कंडक्ट किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डेटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। रोम जो होता है कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन के कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू, रैम, साटा पोर्ट्स और नेटवर्किंग जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, और जो हमारा हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है वो सीपीयू होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मेन सिस्टम बोर्ड से पूछा गया था, इसलिए हमारा आंसर मदरबोर्ड है। अगर हमारा क्वेश्चन होता हार्ट ऑफ कंप्यूटर तो हमारा आंसर क्या हो जाता, सीपीयू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, डैश डिस्क इंक्रिप्शन इज अ टेक्नोलॉजी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेयर डेटा इज इंक्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज। डिस्क इंक्रिप्शन जो होता है वो पूरा किया जाता है, फुल पूरा डिस्क को इंक्रिप्ट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा होल, यानी कि इसको हम लोग फुल डिस्क इंक्रिप्शन ही बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर अगर फुल होगा तो वो भी सही होगा। और जब डिस्क को इनक्रिप्ट किया जाता है तो मास्टर बूट रिकॉर्ड जो होता है MBR उसे इनक्रिप्ट नहीं किया जाता है। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ड्यूरिंग होल डिस्क इनक्रिप्शन किस को इनक्रिप्ट नहीं किया जा सकता, तो हमारा आंसर हो जाएगा मास्टर बूट रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। निम्नलिखित में कौन सा इफ कथन के अलग अलग प्रकारों में से एक नहीं है? जो इफ स्टेटमेंट होता है वो सी लैंग्वेज के लिए किया जाता है, और हमारा डिफरेंट फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट जो है वो बेसिक इफ होता है, एक सिंपल इफ होता है। दूसरा जो यूज़ किया जाता है वर्ड वो एल्स होता है। तीसरा जो वर्ड किया जाता है यूज़ किया जाता है वो एल्स इफ होता है। तो हमारा इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो इफ एंड ये नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इफ एंड, जो इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ग्राफिक्स डिजिटल फोटोज एंड स्कैन्ड इमेजेस आर टिपिकली स्टोर्ड विथ एक्सटेंशन सच एज .bmp, .png, .jpg, .tif और .gif। तो किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियां को .bmp, .png, .gif, .gif जैसे एक्सटेंशन के साथ स्टोर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिटमैप। बिटमैप ग्राफिक्स में हम लोग फोटोज को स्टोर करते हैं। आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि पिक्सल भी इसका आंसर हो सकता है, जबकि पिक्सल क्या होता है, पिक्सल एक जो होता है इमेज को स्टोर किया जाता है एज ए सीरीज ऑफ टिनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स, इसलिए पिक्सल इसका आंसर नहीं होगा, बिटमैप इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, C++ क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जावा, सी हैश, ऑब्जेक्टिव सी, C++, पाइथन, रूबी, जावास्क्रिप्ट, ये सारे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 8, फोट्रॉन इज नॉट यूज्ड फॉर। तो ये है ड्राइंग पिक्चर्स में इसका यूज नहीं किया जा सकता, जबकि कैरिंग आउट मैथमेटिक्स कंप्यूटेशन में इसका यूज किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 1, लेकिन SSC के जो आंसर की है उसमें जो आंसर दिया गया है वो आंसर 4 दिया गया है। तो उसका ये कहना है कि मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में फोट्रॉन का यूज नहीं किया सकता है, जबकि ये गलत है। फोटोन का यूज़ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में किया जाता है, मेनली साइंटिस्ट और जो इंजीनियर्स होते हैं वे मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए फोटोन जैसे लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज अ बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? जब किसी प्रोग्राम में कोई एरर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। तो एन एरर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड अ बग। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ मॉडिफायर की। निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधक बटन मॉडिफायर की है? तो मॉडिफायर की जो होता है वो हमेशा 2 के साथ यूज़ किया जा सकता है, कभी भी सिंगल की का यूज़ नहीं किया जा सकता है, हमेशा ज्वाइंट की, 2 की का यूज़ किया जा सकता है, जिसे हम लोग मॉडिफायर की कहते हैं। जैसे कि कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट, ये तीनों जो होता है कभी भी सिंगल यूज़ नहीं किया सकता, इसके साथ कोई ना कोई दूसरा और की का यूज किया जा सकता है, तभी जाके इसे मॉडिफायर की बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इसे देखिए, मॉडिफायर कीज आर यूज्ड विथ अदर कीज टू परफॉर्म कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड अदर कमांड्स। अब जैसे कि विंडोज की में हमारा अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट ये सब आता है, जबकि एप्पल का कंप्यूटर जो होता है उसमें कंट्रोल, ऑप्शन, कमांड एंड शिफ्ट कीज का
यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एन आईपी एड्रेस इज डैश बीट नंबर, एक आईपी एड्रेस कितने बीट की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। आईपी एड्रेस एक न्यूमेरिकल कीवर्ड्स हैं जो एक डिवाइस को दिया जा सकता है ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो जो हमारा आंसर होगा 32 बीट होगा, अगर यहाँ पे 128 होता तो वो भी इसका आंसर होता है, क्योंकि 32 बीट आईपी एड्रेस जो होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 के लिए यूज किया जा सकता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल 6 के लिए 128 बीट सिस्टम यूज किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि IPv4 जो होता है वो 32 बीट के लिए यूज किया जा सकता है और IPv6 जो होता है 128 बीट सिस्टम के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये हमारा दो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका आंसर हो जाएगा सर टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया था। क्वेश्चन नंबर 13, कैड स्टैंड्स फॉर, तो ये हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG, JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, JPEG क्या है, ये एक फाइल फॉर्मेट है इमेज का, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, जो JPEG का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 15, नेटस्केप नेविगेटर इज, तो ये एक वेब ब्राउजर है। 1990s में नेटस्केप नेविगेटर का यूज किया जाता था, उसके बाद धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जब ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया तो उसके साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज होने लगा बहुत ज्यादा, बहुत डोमिनेंटली इंटरनेट एक्सप्लोरर ने 2000 के आसपास 2000 ईस्वी में बहुत ज्यादा चलने लगा, जिसके कारण नेटस्केप नेविगेटर बंद हो गया। तो नेटस्केप नेविगेटर क्या है, एक वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच की इज यूज टू मूव टू नेक्स्ट लाइन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटर की। एंटर की करने पे क्या होता है, एमएस डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 18, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बेसिकली यूज किया जाता है ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच सिस्टम इज यूज्ड बाय द डिजिटल कंप्यूटर्स टू एनकोड डेटा एंड प्रोग्राम्स, तो हम लोग बाइनरी का यूज करते हैं प्रोग्राम को संकेतक शब्दों में बदलने के लिए। तो बाइनरी जैसे कि 0 और 1, इस दोनों का हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN, तो ISDN का फुल फॉर्म जो होता है वो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, और ये जो है सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स जैसे कि वॉइस वीडियो डेटा एंड अदर नेटवर्क सर्विस की यूज के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, इन MICR व्हाट डज I स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और जो यहाँ पे I होता है वो क्या होता है, वो इंक होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्याही थर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये है CDC 6600। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसमें दो तरह के डिवाइस होते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस और एक होता है आउटपुट डिवाइस। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज कोई लाइन है, कोई पाइप है, तो इसमें जो एंटर कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट, और जो निकल रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि MICR जो होता है, MICR क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, MICR कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं तब जाके ये हमारा क्या होता है, कुछ आउटपुट आता है। सेम OMR जो होता है, OMR भी यही होता है, ऑप्टिकल मार्क को रिकॉग्नाइज करते हैं तब जाके हमारा कोई आउटपुट आता है, और बारकोड रीडर भी यही होता है, जब कोई बारकोड होता है उसको हम लोग रीड करते हैं, रीड करते हैं मतलब क्या, ये इनपुट में आ गया तब जाके हमारा कुछ आउटपुट आता है। तो ये हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस हो गया, और ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। और प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर एक टाइप का प्रिंटर होता है, जिसे हम लोग प्रिंट करते हैं किसी भी चीज़ को यूजिंग द कंप्यूटर। तो ये क्या, ये डायरेक्ट हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, द डैश यूजेज एन एड्रेसिंग स्कीम नोन एज URL टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ फाइल्स ऑन द वेब, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका यूज करके हम लोग फाइल का लोकेशन पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डैश ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज इज अ टेक्नोलॉजी वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल लेयर्स इन द ऑप्टिकल डिस्क, तो इसका आंसर हो जाएगा 3D।
3D ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डेटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों मतलब कि ये 3D थ्री डायमेंशनल रिसोल्यूशन में स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, टीच टेक्स्ट इज ए टेक्स्ट एडिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकिंटोस। मैकिंटोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल कंप्यूटर में यूज किया जा सकता है, और टीच टेक्स्ट एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लोग टेक्स्ट एडिटिंग में करते हैं। और हमारा जो विंडोज में जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, वो नोटपैड है जिसका हम लोग यूज करते हैं। नोटपैड और टीच टेक्स्ट ये दोनों एक ही चीज है। क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, तो लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि आईपॉड, पेन ड्राइव और फ्लैश डिस्क ये तीनों एक स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 28, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डैश फंक्शंस रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यू पास्ड एज आर्गुमेंट्स, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे बड़े मान को लौटाती है वो फंक्शन कौन सा है। तो जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सपोज ये न्यूमेरिकल डेटा है और इसमें सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 27 है, तो 27 निकालने के लिए जो हम लोग फंक्शन यूज करते हैं वो फंक्शन क्या है, मैक्स। तो मैक्स जो है एक फंक्शन है, मैक्स एक फंक्शन है जो लार्जेस्ट वैल्यू को निकालती है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स। क्वेश्चन नंबर 29, द वेब यूजेस द डैश टू रिक्वेस्ट एंड सर्व वेब पेजेस एंड प्रोग्राम्स, वेब में वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए उन्हें पूरा करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग होता है यानी कि HTML का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अभी मैंने बताया था टीच टेक्स्ट के बारे में जो एप्पल के कंप्यूटर में यूज किया जा सकता है, और नोटपैड जो होता है वो विंडोज के कंप्यूटर में यूज किया जाता है, और नोटपैड और टीच टेक्स्ट ये दोनों क्या है, एक एप्लीकेशन है जो टेक्स्ट एडिटिंग में यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डैश फंक्शंस रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यू पास्ड एज आर्गुमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम। वहाँ पे जो मैक्सिमम था, जहाँ पे लार्जेस्ट था वहाँ पे जो फंक्शन यूज किया जा सकता था वो मैक्स था, तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, MIN मिनिमम यूज करेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 32, एन एब्सोल्यूट डैश कंटेन्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ ए फाइल ऑन द इंटरनेट, तो URL जो होता है वो इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। क्वेश्चन नंबर 33, डैश इज ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स डिजिट्स पंक्चुएशन करेक्टर्स एंड सो ऑन, डैश शब्दों अंकों विराम चिन्हों इत्यादि का संग्रह है, तो क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, शब्दों अंकों विराम चिन्हों इत्यादि का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 34, डैश सॉफ्टवेयर्स आर फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी एडिटेड एंड कस्टमाइज्ड बाय एनीवन, तो हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं इसके लिए फ्री सॉफ्टवेयर के लिए उसका नाम है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हम लोग फ्रीली यूज किया जा सकता है और इसे एडिट भी किया जा सकता है अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 35, हु क्रिएटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर व्हिच प्रूव टू बी द प्रोटोटाइप फॉर फ्यूचर कंप्यूटर्स, तो यह है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 36, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश अलाउज अस टू मूव सिलेक्टेड पैराग्राफ्स टू द राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इंडेंट जो है उसका यूज किया जा सकता है पैराग्राफ को राइट मूव करवाने के लिए। जैसे कि आपको हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ के ब्लॉक में एक है इंक्रीज द इंडेंट लेवल और सेकेंड है हमारा डिक्रीज द इंडेंट लेवल, तो अगर हम इंक्रीज द इंडेंट लेवल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा पैराग्राफ है, जिस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया है वो सारा राइट की तरफ मूव करेगा, और अगर हम लोग डिक्रीज द इंडेंट लेवल करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है पूछा गया है इसी SSC CGL के एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंक्रीज इंडेंट अगर हमारे पैराग्राफ को दाएं की तरफ खिसकाया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज इंडेंट। क्वेश्चन नंबर 37, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश अलाउज अस टू मूव सिलेक्टेड पैराग्राफ्स टू द लेफ्ट, तो अभी मैंने आपको बताया था इंक्रीज इंडेंट के बारे में क्वेश्चन नंबर 36 में, और क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज इंडेंट हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ सेम टाइप्स हैविंग ए कॉमन नेम,
इसका आंसर हो जाएगा विन्यास। विन्यास डाटा मान का समान प्रकारों का संग्रह है जिनका समान नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 39। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डैश फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन ए रेंज दैट मीट द गिवन क्राइटेरिया। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा फंक्शन यूज करते हैं ताकि जो हमारा विद इन अ रेंज में जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी वैल्यू है, उसे हम लोग काउंट कर सकें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काउंट इफ। काउंट इफ एक फंक्शन है जिसका हम लोग यूज करके विद इन द रेंज वैल्यू का नंबर ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर सकते। जैसे कि इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये सपोज ये हमारा डेटा है और पूछा गया है कि बिटवीन 80 टू 90 कितना नंबर ऑफ सेल्स है। हमारा क्वेश्चन भी यही है, नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज। तो बिटवीन 80 टू 90 कितना नंबर ऑफ सेल्स है, 82, 86, 81 और 90, टोटल चार सेल है। तो काउंट करके क्या बताया, चार सेल है और ये जो फंक्शन यूज किया जाता है वो काउंट इफ है। क्वेश्चन नंबर 40। यूजिंग डैश वन कैन रीसाइज टैग डिजिटल इमेजेस ऑर्गेनाइज पिक्चर्स इनटू एल्बम्स बाय ड्रैग एंड ड्रॉप कैन एक्सपोर्ट द पिक्चर्स फॉर एक्सटर्नल यूज बाय ईमेल और प्रिंट। तो इसका आंसर हो जाएगा इमेज ऑर्गेनाइजर। इमेज ऑर्गेनाइजर से हम लोग डिजिटल चित्रों का आकार बदल सकते हैं, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप विकल्प द्वारा एल्बम में सजाया जा सकता है और बाहरी उपयोग के लिए तस्वीर को भेजा भी जा सकता है ईमेल या प्रिंट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 41। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डैश फंक्शन यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स विद इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा काउंट। क्वेश्चन नंबर 42। डैश HDD इज अ टेक्नोलॉजी वेयर द कन्वेंशनल डिस्क ड्राइव इज कम्बाइंड विथ नॉन वोलाटाइल फ्लैश मेमोरी ऑफ टिपिकली 128 MB और मोर टू कैच डेटा ड्यूरिंग नॉर्मल यूज। तो HDD का फुल फॉर्म होता है हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका यूज करके हम लोग समान उपयोग के दौरान कैच डेटा के साथ जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43। डैश आर डिजाइन टू रीड एंड इंटरप्रेट HTML। तो ब्राउजर जो है उसको डिजाइन किया जाता है ताकि वो HTML लैंग्वेज को पढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 44। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश अलाउज अस टू चेंज द कलर ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम लोग फॉन्ट कलर का यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये था कंप्यूटर का क्वेश्चन एंड आंसर जो SSC CGL 2017 में पूछा गया था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे रेगुलर बेसिस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में मॉडर्न हिस्ट्री में।